अपने आप समझदार हैं, जिन्होंने हमारे ऊपर गोलियां दी उनका हिसाब देना होगा, हमारे दिल्ली जाने के रास्ते गए बंद किए गए हैं उनका जवाब देना होगा, हमारे 1000 से ऊपर किसानों को शहीद किया गया है उनका हिसाब देना होगा। हरियाणा के लोग बड़े समझदार हैं, वो अपना हिसाब किताब बीजेपी सरकार से जरूर करेंगे और आने वाले समय में यह आपको चीज़ सामने देखने की होगी। आज का इकट्ठ पूरे देश के लोगों को बताने में कामयाब होगा कि हमारी मांगे क्या हैं, किसान क्या चाहते हैं, और एक ऐसी नीति अपनाएंगे, ऐसा समाज के अंदर माहौल तैयार करेंगे, कोई भी सरकार किसान और मजदूर के खिलाफ कानून तो क्या आंख उठाकर भी ना देख सके, एक ऐसे माहौल की सृजना हमने करनी है। उसी के माध्यम से वो भी पूरे देश के अंदर होगा, हरियाणा के अंदर भी वो बड़ी ताकत के साथ होगा, वो भी आपको आने वाली 3 तारीख को पता लग जाएगा। जैसे आज यही फैसले हैं कि आप लोगों ने हिसाब किताब करने, हमारे साथ पिछले 10 साल 5 साल के अंदर क्या इन्होंने हमारे साथ किया है, कैसे इन्होंने हमें दिल्ली जाने से रोका है, आप लोगों ने कैसे इन्हें सत्ता में जाने से रोकना है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ये तो सब जागरूक है लोग हैं। और अपनी आवाज को कहीं कमजोर ना पड़ जाए, हमारी मांगे कहीं धीमी ना पड़ जाए, हमने जो अपने आंदोलन की मांगे हैं शंभू और खनौरी और बॉर्डर के पर चल रहे आंदोलन को मजबूत करने के लिए ये पंचायतें रखी थी, और आने वाली 3 तारीख को भी बताएंगे किसान कितने मजबूत हैं, और 5 तारीख को भी लोग बताएंगे जिसके रिजल्ट 8 तारीख को पता लगेंगे, लेकिन हमने किसानों को बताना है अपनी मांगे कैसे मनवानी है। देखिए, जिस तरह से दिल्ली आंदोलन 2 चल रहा अभी, और आज लगभग 223 दिन हो गए हमें संघर्ष करते हुए, हमने 2 बड़ी महापंचायतें हरियाणा में करनी थी, एक पहले हो चुकी है, एक आज यहाँ हो रही है पिपली में। आप देख सकते हैं धान की कटाई का कितना जोर है जीरी का, इसके बावजूद यहाँ हम जो समझ रहे हैं यहाँ हमारे पास जगह कम है, लोग ज़्यादा आ गए हैं। तो आज भाजपा सरकार, मोदी सरकार या जो प्रदेश की अभी सैनी सरकार, उसकी नींद तो हराम हो गई होगी। तो जहाँ तक देखिए हमारे आंदोलन का सवाल है, हमारी मांगे एक नैतिक तौर पर ठीक है, देश के गृह मंत्री बोलते हैं इनकी कितनी उतनी है इतनी है, गिनती की बात करते हैं, हम बोलते हैं बात करिए हमारी मांगों में क्या खोट है, हमारी मांगों की नैतिकता के ऊपर बोलिए। तो हमारी मांगे जय जय MSP लीगल गारंटी कानून बनाने की मांग, किसानों मजदूरों की कर्ज माफी, भारत WTO से बाहर आ जाए, और अन्य मांगे। अभी लखीमपुर खीरी के पीड़ित हमारे पास पहुंचे हैं, जो वहां के गवाह हैं उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं, उनके नाम न्यूज़पेपर में आ जाते हैं, भी आज गवाही है तो दुश्मन को पता चल जाए, आज वो भी हमारे पास पहुंचे। अभी तक लखीमपुर खीरी का इंसाफ हमें नहीं मिला, शहीद सुकर्ण शहीद हुआ उसका इंसाफ नहीं मिला। आज हम हरियाणा के लोगों को याद करवाने आए हैं, आप वोट जिसे मर्जी दीजिए, हमारा मोर्चे का सवाल नहीं है, जब वोट डालने जाइएगा इस बात को याद रखिएगा, हरियाणा में 70,000 अर्धसैनिक फोर्स लगाए गए थे, आपको खुली जेल में बदला गया था, जब वोट डालने जाइएगा ये ख्याल रखिएगा, हमें देश की राजधानी में जाके प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं दिया गया, आप याद रखिएगा। 22 साल के युवा शहीद शुभकर्ण जी को गोली मारकर शहीद किया गया, उसका इंसाफ अभी तक हमें नहीं मिला है। तो जब यहाँ फोर्स लगी हुई थी तो हर हरियाणा के किसान मजदूर के घर जाके नोटिस लगता था, बोलते थे पासपोर्ट बनने नहीं देते थे, बोलते थे आपकी घरों से घरवालियाँ उठा के ले जाएंगे, बोल रहे थे आपके सर्टिफिकेट रद्द कर देंगे। हम हरियाणा को सभी जो भाजपा ने जुल्म किए हैं वो याद करवाने आए हैं, भी आप याद रखिएगा, किसान आंदोलन याद रखेगा। हमारा मकसद अपने किसान आंदोलन को मजबूत करना, आने वाले समय में तेज करना, और आने वाली 3 अक्टूबर को
यही दोनों मोर्चों की ओर से पूरे भारतवर्ष में रेलें जाम करी जाएंगी। हम आज के बाद हरियाणा वासियों को ये आह्वान करेंगे, जो हमारा कार्यक्रम है 2 घंटे का रेल रोको, उसको अधिक से अधिक कामयाब करना और पूरे देश भर में बड़ा करना है। जब तक मांगे मानी नहीं जाती तब तक आंदोलन हम लोग जारी रखेंगे। हरियाणा से चोन चलते पे हैं, भाजपा के नेता लागे तो मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने कि विरोध रहेगा पिंडा चाहिए कि विरोध। देखो जितों तक सवाल हैगा, किसान मजदूरों के आंदोलन ने पीसफुली ढंग ना अपना काम किया हैगा, पीसफुली ढंग ना किसान सवाल करते ने, उन्होंने हक हैगा वा। आंदोलन उन्होंने खिलाफ सीगा, पहलों भी चलता सी ते अगे भी चलता रहूगा, और कोई नवा फैसला होया वो तुहानू असीं दसांगे। थैंक यू।